रोशनी को मॉडलिंग का बहुत शौक था। वो अपना सारा समय मेकअप और एक्टिंग के प्रैक्टिस में निकाल देती थी। रोशनी मिडिल क्लास फैमिली से थी। जब भी वो अपनी माँ से मॉडलिंग करने के बारे में पूछती तो वो उसको कहती कि शादी के बाद करना। और तभी एक दिन कॉलेज में मॉडलिंग का ऑडिशन चल रहा होता है और रोशनी अपनी माँ रानी के पास आती है और कहती है, मामा हमारे कॉलेज में ना मॉडलिंग का ऑडिशन होने जा रहा है, तो क्या मैं हिस्सा ले लूँ? अरे मुझसे क्या पूछती है, अपने बाप से पूछ। रानी धरीराम की तरफ प्यार से देखती है और कहती है, पापा क्या मैं हिस्सा ले लूँ? अरे मुझसे क्या पूछ रही है, जाके अपनी माँ से पूछ। अरे उसे बिना पूछे मैं तो वॉशरूम ना जाऊँ। और तू कह रही है कि मैं देखो मॉडलिंग में भेज दूँ? अरे मैं नहीं भेजूंगा, पहले अपनी माँ से पूछ के आ। मैं आप दोनों की बेटी हूँ, कोई फुटबॉल नहीं जो इधर से उधर उछालते रहते हो मुझे। एक बार ना तेरी शादी हो जाए, फिर जो मनाए वो करियो तू। अरे तेरी माँ ठीक कह रही है, जो भी करना है ससुराल जाके करियो, यहाँ करेगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। अरे समाज के लोग क्या बोलेंगे मुझे कि देखो देखो अपनी बेटी की कमाई खाने के लिए बेटी को मॉडल बनाने भेज रहा है, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी करना हो ससुराल जाने के बाद ही करना, यहाँ हमसे कोई उम्मीद मत रखना। रोशनी के मन में ये बात बैठ जाती है कि एक बार उसकी शादी हो जाए फिर वो बाद में जो मर्जी करेगी। समय बीतता है और रोशनी की शादी दिनेश से हो जाती है जो रोशनी को बहुत प्यार करता था और इसी के साथ उसे ये वादा करता है कि वो अपने हर सपने को पूरा कर सकेगी। शादी के बाद अगले दिन जब रोशनी मेकअप कर रही होती है तो उसकी सास उससे कहती है, बहू ये लाली लिपस्टिक अगर लगा ली हो तो जरा मेरे लिए कप चाय बना दे। सासू माँ चाय तो बना देती पर उसमें मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी गैस की आग से, अगर मैं काली हो गई या जल गई तो मैं मॉडल कैसे बनूंगी? मॉडल? ये मॉडल बीच में कहाँ से आ गई? उन्होंने मुझसे शादी के समय वादा किया था कि वो मेरा सपना पूरा करेंगे और मुझे ना माजी मॉडल बनना है मॉडल। ये मोर मसूर की दाल आने दे दिनेश को, अभी बताती हूँ उसे मेरी नई नवेली दुल्हन को क्या पट्टी पढ़ा रही है। इसके बाद रोशनी आंखों पर खीर लगाकर लेट जाती है और इतने में ही वहाँ दिनेश आ जाता है जिसे देखकर रेनू से कहती है, अरे ये क्या बोला तूने बहू को मॉडल बनाएगा इसे, तो बीवी लाया या हीरोइन? माँ अगर रोशनी मॉडल बनना चाहती है तो इसमें क्या गलती है, अरे हम तो उसका साथ दे सकते हैं ना ताकि वो अपना सपना पूरा करे। और हाँ मेरा तो दोस्त भी है मोनू, अरे वो तो लड़कियों को मॉडल बनाता है और कईयों को बना चुका है, मैं उससे बात करता हूँ। आया बड़ा बात करेगा, तो तेरा मतलब है ये महारानी यहाँ आँखों पर खीरे मूली लगा के पलंग तोड़े और मैं इसकी सेवा करूँ तो मेरे लिए बहू लाए ये सास? दिनेश के पास रेनू की बातों का कोई जवाब नहीं होता, वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और अब रेनू सारे घर का काम करती और रोशनी सारा दिन लाली लिपस्टिक में लगी रहती। तभी एक दिन रेनू रोशनी से कहती है, बहू जरा एक बात तो बता, तू कुछ बना भी लेती है या नहीं? हाँ माँ जी बना लेती हूँ। अरे अब की ना तूने पते की बात, बता क्या क्या बना लेती है? मैं बातें बना लेती हूँ, उल्लू बना लेती हूँ और सेल्फी लेते हुए मुंह भी बना लेती हूँ। हाय राम रे क्या बुरे कर्म किए थे मैंने, मेरे तो कर्म ही फूट गए सच में। अरे माँ जी मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे ना मैगी बनानी आती है, आप बोलो तो आपके लिए बना कर ले आऊं। तो अब इस उम्र में क्या मैं मैगी खाऊंगी? देखिए माँ जी प्यार करने की और मैगी खाने की ना कोई उम्र नहीं होती है। माँ जी आपने मॉडल को खाना बनाते देखा है क्या? वैसे अगर मैं मॉडल बन गई ना तो सोचो आपका कितना नाम होगा, अखबारों में फोटो, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बड़ी पहचान। अच्छा बहू सुन, अगर तू 2 महीने में मुझे एक सुशील और सर्वगुण बहू बनकर दिखा देगी तो मैं तेरा सपना पूरा करने में मदद करूंगी। क्या माँ जी आप सच कह रही हो, आप मेरी मदद करोगी? बस फिर क्या था, रोशनी मोबाइल से देखकर 1 महीने में ही खाना बनाना सीख गई और घर के सारे काम अच्छे से करने लगी। रेनू को ये सब देखकर बहुत खुशी हुई और वो आराम से अपने दिन गुजारने लगी। अब रोशनी घर का सारा काम करती और रेनू उस पर बैठे बैठे सास की तरह ऑर्डर झाड़ती। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और एक दिन रोशनी दिनेश से कहती है, सुनिए जी माँ जी ने ना मुझे 2 महीने का टाइम दिया है कि अगर मैं घर का सारा काम सीख लूं तो वो मुझे मॉडल बनने की इजाज़त देंगी और मेरी मदद भी करेंगी।
वो सब तो ठीक है रोशनी, लेकिन मुझे लगता है ना तुम्हें ये सपना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि माँ कभी मानेगी नहीं। अरे माँ जी ने खुद मुझसे वादा किया है, आप ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आप बता रहे थे ना कि मॉडलिंग लाइन में आपका एक दोस्त है, मोनू है शायद, आप उसे बुला लीजिए ना प्लीज। हाँ ठीक है, अगर माँ ने हाँ कर दिया तो मुझे क्या दिक्कत होगी, मैं अभी उसे फोन करके बुला लेता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि माँ मानेगी। दिनेश अपने दोस्त मोनू को कॉल करता है और उसे अपने घर बुला लेता है, जिसके बाद दिनेश और मोनू मिलकर घर पर ड्रिंक करने का प्लान करते हैं। तभी रोशनी कमरे में आती है और मोनू को देखकर धीरे से दिनेश को कहती है, अजी सुनिए, आप श्योर है ना कि ये मेरी मॉडल बनने में मदद करेगा? हाँ करेगा, पर ऐसा क्यों पूछ रही हो? अरे ये तो खुद सस्ता सा कबीर सिंह लग रहा है, ये क्या मुझे मॉडल बनाएगा? अरे चुप करो, सुन लेगा वो, अरे वो गेस्ट है हमारा। मोनू भाई मैं क्या कह रहा था कि मेरी पत्नी ना मॉडल बनना चाहती है, तो क्या तू इसकी मदद कर सकता है? क्यों नहीं यार, तू मेरा भाई जैसा है, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। तभी वहाँ रेनू आ जाती है और उनकी बातें सुनकर कहती है, कोई मॉडल वॉडल नहीं बन रहा इस घर में, एक तो इतनी मुश्किल से बहू लाइन पर आ गई है और सब काम अच्छे से कर रही है, तो तू नया ड्रामा करना चाहता है? बातें रोशनी सुनती है और उसका दिल ही टूट जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। रेनू, दिनेश और मोनू उसे हर जगह ढूंढते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलती। तभी रोशनी हाथ में शराब की बोतल लिए घर की छत पर चढ़ जाती है और बोलती है, कूद जाऊंगी, फान जाऊंगी और मर जाऊंगी। क्या क्या कर रही हो बेबी, प्लीज नीचे आ जाओ, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, मैं किसके सहारे जीऊंगा, अरे आ जाओ नीचे आ जाओ। वही कर रही हूँ जो एक मॉडल मॉडलिंग के लिए कर सकती है, सुसाइड सुसाइड सुसाइड। बहुत जिद छोड़ दे और नीचे आ जा। माँ ने कहा एक्टिंग छोड़ दो, पति ने कहा कि मॉडलिंग छोड़ दो, और अब आप कह रही हो कि जिद छोड़ दूँ, कल को कोई कहेगा कि मैं दुनिया छोड़ दूँ। भाभी नीचे आ जाओ, मर जाओगी। मोनू और गली वालों, ये जो मोनू है ना मोनू, मुझे मॉडलिंग का काम देने वाला था, पर मेरी सास ने बीच में बाजी मार दी। दुनिया वालों मैं जा रही हूँ भगवान के पास, और भगवान जी मैं आ रही हूँ आपके पास। बहू तू नीचे आ जा, मेरे लिए कुछ भी तुझसे बढ़कर नहीं है, तू मॉडल जरूर बनेगी और मैं इसमें तेरा पूरा साथ दूंगी। माँ जी क्या कहा आपने, आप मेरा साथ देंगी? मुझे जरा आवाज नहीं आई। हाँ बेटा मैं तेरा साथ दूंगी, तू नीचे आ। सच्ची मैं आ रही हूँ, अभी एक मिनट रुकिए। थैंक गॉड कि तुम नीचे आ गई, अरे हम लोग तुम्हारा सपना पूरा करेंगे, तुम फिकर मत करो। रोशनी नीचे उतर आती है और रेनू उसके कान खींचकर उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद रेनू और दिनेश रोशनी का सपना पूरा करने में उसका पूरा साथ देते हैं और रोशनी एक सक्सेसफुल मॉडल बन जाती है। प्रमोद अपने बेटे सूरज और अपनी बीवी ममता से बोलता है, हमें घर मिल गया है, वहाँ के लोग भी मुझे ठीक ही लगे और घर भी ठीक ही है और किराया भी कम ही था, इसलिए मुझे ठीक लगा तो मैंने हाँ कर दिया, हम वहाँ आज शिफ्ट हो सकते हैं। चलो एक काम तो अच्छा हुआ कि हमें घर मिल गया, वरना दो दिन से हम यहाँ सड़क पे रह रहे थे। मुझे माफ करना, मुझे पहले ही शहर आकर देख लेना चाहिए था, अगर मैं पहले ही ये सब पता कर लेता तो तुम दोनों को परेशानी नहीं उठानी पड़ती, मुझे माफ कर देना। पापा आप माफी क्यों मांग रहे हो, आपने तो हमारा ही भला सोचकर शहर आने का सोचा, और वैसे भी सबसे बड़ी परेशानी तो घर की थी, वो तो मिल ही गया ना, अब तो सब ठीक हो ही जाएगा। हाँ सूरज ठीक कह रहा है, अच्छा जरा ये बताओ घर कैसा है, मतलब ठीक तो है ना? हाँ घर तो ठीक ही है, हर जगह इतना किराया था इसलिए मैंने बस एक कमरा ही लिया है, और वैसे भी हमारा घर तो बन ही रहा है ना, जैसे ही घर पूरा बन जाएगा हम वहाँ चले जाएंगे, ठीक है ना? क्या बस एक कमरा, तो मैं खाना कहाँ बनाऊंगी, खाना बनाने के लिए तो रसोई होनी चाहिए ना। ममता जरा बात को समझो, गांव से हमें अचानक बस इसीलिए आना पड़ा क्योंकि हमारा घर बन रहा था, और वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन रहा था, वरना तो हम घर बनने के बाद ही आते हैं, है ना? हाँ माँ पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें कौन सा वहाँ हमेशा के लिए रहना है, थोड़े दिन एडजस्ट कर लेंगे, घर बनाना जरूरी है ना, बस वो बन जाए फिर परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं खाना कहाँ बनाऊंगी, उन्होंने घर दिया है किराए पर, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हमें किराए पर रसोई भी देंगे, आप भी ना बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर लेते हो। ये घर हमारे घर के सबसे ज्यादा पास है इसलिए मुझे ठीक लगा, और वैसे भी जिनसे मैंने कमरा किराए पर लिया है वो भी वही रहते हैं, नीचे उनका घर है ऊपर वाला कमरा हमारा है, वहाँ कोई रसोई थी ही नहीं इसलिए मैं क्या करता, बिना रसोई के ही मैंने कमरा ले लिया। माँ मेरी बात तो सुनो, कमरा तो है हमारे पास, तो आप कमरे में ही खाना बना लेना।
दोनों बाप बेटे एक से बढ़कर एक हैं। जब कमरे में खाना बनेगा तो दोनों भागोगे कमरे से। ममता की बात तो सुन लेते हैं दोनों, लेकिन उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करती हैं और वहाँ पर रहने चले जाते हैं। दो दिन तो ममता कमरे में ही खाना बनाती है, लेकिन जब सूरज और प्रमोद को कमरे में खाना बनाने से परेशानी होती है तो वो भी ममता की बात को समझते हैं। सबकी परेशानी देखकर ममता घर की मकान मालकिन सुनीता के पास जाती है और उनसे बोलती है, बहन जी आपसे एक मदद चाहिए थी। बोलो अब क्या मदद चाहिए? देखिए उस एक कमरे में रहना और खाना बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप हमें अपनी रसोई भी किराए पर दे देती तो बहुत अच्छा हो जाता। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? मुझे तो पहले ही पता था ये सब होना ही है, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था तुम्हारे पति को कि ना ले ये कमरा, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब भुगतो, और हाँ मैं अपनी रसोई किराए पर नहीं दूंगी। बहन जी हमें किसी भी चीज में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन रसोई नहीं है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप हमें अपनी रसोई किराए पर दे देंगी तो हमारी भी परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है इतना बोल रही हो तो किराए पर दे देती हूँ रसोई, लेकिन रसोई में गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी गंदगी दिखाई देती है तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सुनीता ममता की बात को मान लेती है और अपनी रसोई ममता को किराए पर दे देती है। अगले दिन सुबह सुबह ममता रसोई का सारा सामान लेकर सुनीता की रसोई में जाती है। वहाँ सुनीता भी खाना बना रही होती है। सारा सामान देखकर सुनीता बोलती है, अरे अरे ये क्या है, सारा सामान क्यों ले आई तुम? ये रसोई तुम्हें मैंने किराए पर दी है। हाँ बहन जी किराए की रसोई है, तभी तो मैं यहाँ सामान भी ले आई। अब रसोई का सामान रसोई में ही होना चाहिए ना, इसलिए ही तो लेकर आई हूँ मैं। किराए की रसोई है ये, आपके पिताजी की नहीं, जो सारा सामान लेकर आ गई हो। जिसकी जरूरत है वो सामान लाओ और खाना बनाकर जाओ, खुद की रसोई नहीं है जो जब मन चाहा आ गई, ठीक है ना? लेकिन कल ही तो आपसे बात हुई थी और किराए की रसोई के लिए आप मान भी गई थी, तो आज आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? यहाँ सारा सामान मैं आपसे पूछ कर ही तो लाई हूँ ना। नहीं मैंने बस किराए की रसोई के लिए हाँ बोला था, ये नहीं कि तुम यहाँ किराए की रसोई के नाम पर अपना घर ही बसा रही हो। जाओ यहाँ से, पहले मैं खाना बना लूँगी फिर तुम खाना बना लेना। और हाँ खाना बनाने के बाद पूरी रसोई को भी अच्छे से साफ करना है तुम्हें, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन आप थोड़ा जल्दी खाना बना लेना क्योंकि सूरज को थोड़ा काम है बाहर, इसलिए उसे जाना है। और अब उसे ऐसे भूखे पेट तो भेज नहीं सकती ना, इसलिए। तुम्हारे बोलने से नहीं होगा यहाँ, जब मेरा खाना बन जाएगा तो बता दूंगी मैं, तभी आना। ये तुम्हारी किराए की रसोई है तो तुम इस पर ज्यादा हक मत जताओ। सुनीता की बात ममता को तो बुरी लगती है, लेकिन मजबूरी में ममता को सुनीता की बात से सहमत होना ही पड़ रहा था और वो सुनीता की बात मान लेती है। जब सुनीता रसोई से बाहर जाती है उसके बाद ही वहाँ जाकर ममता खाना बनाती है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है और किराए की रसोई में खाना बनाना ममता के लिए दिन प्रतिदिन और भी मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जल्दबाजी में ममता खाना बनाने के बाद रसोई को बिना साफ किए ही वहाँ से चली जाती है। बाद में जब वहाँ सुनीता आती है और ऐसे बिखरी हुई रसोई देखती है तो ममता के पास जाती है और बोलती है, ममता तेरी रसोई किराए की थी, लेकिन तुझे पता है ना मैंने तुझे रसोई किराए पर क्यों दी थी? हाँ पता है, आपने मेरे बोलने पर ही मुझे किराए पर रसोई दी थी, लेकिन आप ऐसे अचानक से क्यों पूछ रही हो? क्या हो गया ऐसा भी? हुआ ये है कि तू रसोई को गंदा ही छोड़कर आ गई है। तुझे मैंने बोला था ना किराए की ही भले, लेकिन रसोई तो तेरी ही है, साफ करना तेरा फर्ज बनता है ना, तो साफ क्यों नहीं किया तूने? अगर आप ये बात मुझे बोल रही हो तो ये बात आपको भी पता होनी चाहिए कि किराए की रसोई ही सही, लेकिन मेरी भी रसोई है ना, तो मैं इसे अभी साफ करूं या थोड़ी देर बाद साफ करूं, इसमें मेरी भी तो मर्जी होगी ना। अच्छा अब तू मुझे तेवर भी दिखा रही है? ये तेवर तब कहाँ गए थे जब तू मुझे रसोई किराए पर लेने आई थी? तब तो बड़ी मिन्नत कर रही थी कि रसोई किराए पर दे दो, और जब मिल गई तो ठाट बिछाई है। देखिए अब नाक का ज्यादा हो रहा है, मैं रोज ही रसोई को साफ कर देती हूँ,
लेकिन आज मुझे कुछ काम था इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो आप मुझे इतना क्यों सुना रही हो? आप खुद ही क्यों नहीं कर देती? आपकी भी तो रसोई है ना, तो खुद ही कर लो साफ, अपना टाइम भी बच जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि तुझे किराए पर रसोई देकर मैंने भी कोई बड़ी गलती कर दी। तभी तो देखो किराए की रसोई मिलते ही तेवर भी बदल गए तेरे। तो तेवर मेरे नहीं आपके बदले हैं। किराए की रसोई थी मेरी, लेकिन आप तो ऐसे बर्ताव कर रही थी मेरे साथ जैसे मैं रसोई को साफ करने वाली हूँ, जबकि हम आपको किराए के पैसे भी दे देते हैं। दोनों में काफी देर तक बहस होने लगती है और धीरे धीरे बात भी आगे बढ़ने लगती है। बात लड़ाई में बदल ही रही होती है कि तभी वहाँ प्रमोद और सूरज आ जाते हैं। दोनों को ऐसे बहस करता देख प्रमोद बोलता है, आप दोनों ऐसे बहस क्यों कर रहे हो? देखिए ना, हमारी ही किराए की रसोई थी और हमें ही सुना रही है। हमने किराए पर ली है तो हम पैसे भी तो देते हैं ना, लेकिन ये तो हमारे संग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे हमें खरीद ही लिया हो इन्होंने। अच्छा, अब रसोई किराए की है तो सुनना भी पड़ेगा ना। पहले तुम्हारे पति ने आकर कमरे की बात बोली थी और फिर तुम आकर मेरी रसोई को किराए पर लेने की बात बोल रही हो, तो मैं कुछ बोलूं भी ना? ठीक है आंटी, किराए की रसोई थी ना, तो अब हमने अपनी रसोई और घर दोनों ही ले लिया है, तो अब हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। चलो, इतनी सारी परेशानी में एक चीज तो अच्छी ही हुई है, अब हम अपने घर जा रहे हैं। ममता अपने परिवार के साथ अपने घर में रहने के लिए चली जाती है और इतने दिनों तक किराए की रसोई में खाना बनाना ममता को बहुत भारी पड़ता है। नायरा अपनी जेठानी संगीता के कमरे से एक चादर उठाकर ले जा रही थी, तभी संगीता उसे चादर ले जाते देख लेती है और उसे रोकते हुए बोलती है, ये चादर मैंने धो रखी है और अब तू कहाँ लेकर जा रही है? जब मैं गंदी कर दूंगी ना उसके बाद खुद धोकर ले लियो, लेकिन अभी तो मैं ये ही लूंगी। हाथ हटा यहाँ से वरना चादर फट जाएगी। ऐसे कैसे हटा दूँ हाथ, ये चादर जितनी आपकी है उतनी मेरी भी है और आपने तो बस एक ही बार धो रखी है ये चादर, लेकिन मैंने कितनी बार धोई है तब तो याद नहीं आया, तब तो बड़ी जल्दी लेकर चली जाती थी। हाँ, वो इसीलिए मैं लेकर जाती थी क्योंकि अभी तो आई हो तुम और तुम्हारे आने से पहले ये सब मैं ही करती थी। और तुमने दो दिन क्या कर लिया, ये सोच रही हो कि घर की हुकूमत अब तुम्हारी है? अरे अरे, ये कोई नई बात नहीं है, ये रोज का ही है। साधना की बड़ी बहू संगीता और छोटी बहू नायरा दोनों आए दिन छोटी से छोटी बात पर ही घर में झगड़ा करती ही रहती हैं। और आप जो ये देख रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ संगीता और नायरा की लड़ाई चल रही होती है और जोर जोर से लड़ने के कारण दोनों की आवाज़ घर से बाहर भी जाने लगती है। बाहर साधना अपनी पड़ोसन से बात कर रही होती है, इतने में अपनी दोनों बहुओं की आवाज़ सुनकर साधना गुस्से से घर में जाती है और दोनों से बोलती है, अब क्या हो गया, अब तुम दोनों ने घर को कुरुक्षेत्र क्यों बना रखा है, कौन सा पहाड़ टूट गया अब? माँ जी, दीदी को आप समझा दो, जब देखो तब मुझसे बिना बात के लड़ाई लड़ती रहती है। ये क्या माँ जी, आप तो मुझे जानती हो ना, मेरा स्वभाव कितना शांत है, मैं और लड़ाई झगड़ा कर ही नहीं सकती। वो तो देवरानी जी ही हैं, एक चादर को लेकर लड़ रही हैं मेरे साथ और अब मुझे ही बोल रही हैं। ये छोटी बात है जेठानी जी, आप तो रहने ही दो, माँ जी को अच्छे से पता है कि आप कितनी ज्यादा लड़ाकू हो। पता नहीं घर की बहुएं आई हैं, दो लड़ाकू विमान आए हैं, दोनों में से कोई भी अपने मायके से एक फूटी कौड़ी नहीं लाया, दोनों लड़ाई ऐसे कर रही है जैसे ये सब इनके मायके से मिला हो। माँ जी, मुझे तो पता ही है आपकी चहेती बहू जेठानी है, इसलिए आप कुछ नहीं बोल रही हो। वाह वाह वाह, ये क्या बात हुई भला, चहेती और मैं, वो भला कैसे? पहले माँ जी मेरी एक बात को मना नहीं करती थी, जब से देवरानी जी आई है ना तब से माँ जी तो मेरी बिल्कुल ही सुनती नहीं है। मुझे ना ही संगीता बहू पसंद है और ना ही नायरा बहू तू, जब देखो झगड़ा करती रहती हो, तुम दोनों को भला कोई क्यों पसंद करेगा? अब जो मैंने बोला है वो करो, बिना बात के बहस मत करो। साधना दोनों को काम करने के लिए भेज तो देती है, लेकिन क्या फायदा, दोनों यहाँ से जाकर वहाँ लड़ाई शुरू कर देती हैं और वहाँ भी वही होता है। साधना तो अपनी दोनों बहुओं के रोज रोज के इस तमाशे से परेशान ही हो गई थी, लेकिन करती भी क्या, बहुएं तो वो खुद ही पसंद करके लाई थी ना। और उसकी दोनों बहुएं भी आए दिन बिना कुछ सोचे समझे बहस करना शुरू कर देती हैं और यही सब रोज चलता रहता है। कुछ दिनों बाद
साधना की पड़ोसन घर आती है और साधना से बोलती है, अरे साधना क्या तू भी, जरा अपनी बहुओं को कुछ समझा, इतनी जोर जोर से लड़ाई करती है, बाहर तक आवाज आती है, मोहल्ले वाले तेरे बारे में चार बातें भी करने लगे हैं, अब तो कुछ समझा उन्हें। तुझे क्या लग रहा है मैंने उन दोनों को समझाया नहीं होगा, समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन दोनों को समझ ही नहीं आता है कि कोई शर्म बची है, सुबह लड़ाई से शुरू होती है और रात भी इसी पर खत्म है। तो इन देवरानी जेठानी का बंटवारा कर देना, दोनों अलग रहेंगे तो ही लड़ाई कम होगी और ना ही घर में कोई कलेश होगा, दोनों अपने अपने हिस्से में खुश रहेंगे और तू भी शांति में रहेगी। नहीं बंटवारा नहीं कर सकती, इनकी यही आखिरी इच्छा थी कि लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए, बंटवारा नहीं होना चाहिए, बंटवारा होने से दूरियां और बढ़ जाएगी, इसलिए ऐसे ही ठीक है। साधना ने इतना बोला ही होता है कि तब तक देवरानी जेठानी दोनों एक दूसरे के बाल पकड़ते हुए वहाँ आ जाती हैं और संगीता चिल्लाते हुए बोलती है, मुझसे बिना पूछे तुम मेरे कमरे में गई कैसे और ऊपर से मेरे सामान का भी इस्तेमाल कर रही हो। अच्छा और तुम जो बार बार मेरे कमरे में आ जाती हो, मेरी साड़ी ले जाती हो, उसका क्या, वो याद नहीं होगा ना, पहले खुद को देखो फिर मुझे बोलना, आप तो बढ़िया ही मुझे बोलने वाली। तुमसे तो बड़ी ही हूँ, थोड़ा तमीज से बात कर वरना मुझे भी सबक सिखाना आता है। ये देखना तुझे मंजूर है लेकिन इन दोनों देवरानी जेठानी का बंटवारा करना मंजूर नहीं है। तुम दोनों को शर्म नहीं आती, कभी भी शुरू हो जाती हो, दिखाई नहीं दे रहा है घर में पड़ोस की काकी आई है, लेकिन नहीं तुम दोनों को तो लड़ाई ही करनी है ना, यही सिखाया है कि तुम दोनों को तुम्हारे घर वालों ने, बस यही आता है, पहले वहाँ लड़ाई करते थे अब यहाँ भी शुरू कर रही हो, अरे जाओ अपने कमरे में अभी। साधना दोनों को सुनाकर वहाँ से भेज तो देती है लेकिन क्या फायदा, पड़ोसन के आगे उसका नाम तो खराब हो ही जाता है ना, इतना होने के बाद भी साधना बंटवारा करने का नहीं सोचती है, लेकिन साधना की ये सब सोचने का क्या फायदा, दोनों देवरानी जेठानी तो बंटवारा करने का पूरा तय कर ही चुकी थी ना। ऐसे ही एक दिन नायरा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी नायरा संगीता से बोलती है, दीदी मैंने अपना खाना बना लिया है और बर्तन भी धो लिया है, अब आप अपना खाना बनाकर बर्तन धो देना, मुझसे नहीं होगा आपके लिए ये काम, एक तो आपका काम भी करो ऊपर से आपके ताने भी सुनो। हाँ तो मुझे क्या बता रही है, मैंने तो पहले ही अपने लिए खाना बना लिया था, ऐसे ही तेरी जेठानी नहीं हूँ, तुझसे चार कदम आगे की सोचती हूँ, इसीलिए तेरी जेठानी हूँ, बढ़िया ही मेरे लिए खाना बनाने। इतना ही है तो जो आप अभी अचार खा रही है ना वो रख दो, क्योंकि वो मैंने ही बनाया था। तेरी बनाने से क्या होता है, उसमें तो मेरा भी हाथ लगा था ना, वो मेरा भी हुआ। अच्छा ठीक है, लेकिन आपके कमरे में दो साड़ी रखी हुई हैं जो आपने मुझसे मांगी थी, याद है ना वो, या वो भी भूल गई, वो भी दे जाना, मुझे नहीं आना आपके कमरे की तरफ। जिसको चाहिए वो आकर खुद ले जाए ना, मुझे भी नहीं पसंद है तेरे कमरे की तरफ आना। ठीक है मैं भी नहीं आऊंगी लेने, लेकिन ये मत भूलना जेठ जी नई वाली अलमारी लाए थे ना, वो मेरे ही कमरे में रखवाई थी, फिर वो तो मेरी ही हुई ना, क्योंकि है तो वो मेरे कमरे में ना। रुको वो तो अभी मैं इनसे बोलकर अपने कमरे में रखवा देती हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी अपना सारा सामान अपने कमरे में ही रखूंगी, आपका क्या भरोसा कब क्या ले जाओ। भरोसा तो तुम्हारा नहीं है, तुम खुद तो कुछ लाए नहीं, ससुराल का सामान ठस कर दोगी तो, इस घर में जितना हक तुम्हारा है ना उतना ही हक मेरा भी है, कुछ मत सोचना। हाँ तो कर लो ना बंटवारा, रोक कौन रहा है, वैसे भी मुझे आपके साथ रहने का कोई शौक भी नहीं है। नायरा और संगीता के इस झगड़े को साधना देख लेती है और वहाँ आकर बोलती है, तुम दोनों को बंटवारे की जल्दी है ना, ठीक है मैं बंटवारा कर ही देती हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुन लो, बंटवारे में केवल एक ही हिस्सा जेठानी का और दूसरा हिस्सा देवरानी का ही होगा। इस घर के अलावा है ही क्या जिसका बंटवारा करती, लेकिन ये भी सही है आप बंटवारा कर दोगी तो कम से कम मुझे रोज रोज अपनी जेठानी जी की शक्ल तो देखनी नहीं पड़ेगी ना। हाँ जैसे मुझे तो बड़ा शौक है ना तुम्हारी शक्ल देखने का, बंटवारे की खुशी सबसे ज्यादा मुझे है। ठीक है फिर ऊपर वाले हिस्से पर नायरा बहू है और बीच वाले पर साधना बहू, और जो मेरे पास गहने हैं तिजोरी में वो तुम दोनों में से किसी को नहीं मिलेंगे। क्या माँ जी आपके पास गहने भी हैं, लेकिन आपने तो आज तक हमें अपने गहने नहीं दिखाए। ये तो मेरे बाद आई है, इसे कुछ पता नहीं है, समझ आता है, लेकिन माँ जी आपने तो गहनों के बारे में मुझे कभी बताया ही नहीं। बताना क्या है, मैंने सोचा था तुम दोनों देवरानी जेठानी प्यार से रहोगी तो तुम दोनों को दे दूंगी, लेकिन यहाँ तो तुम दोनों मेरे घर का बंटवारा कर रही हो,
तो मेरा मन नहीं है। माँ जी, बंटवारा तो मैं इसलिए करने को बोल रही थी क्योंकि परिवार बढ़ेगा तो दीदी को कोई परेशानी ना हो। बाकी तो मैं एक साथ मिलकर ही रहना चाहती हूँ। बंटवारे में क्या रखा है? लो कर लो बात। यही सोचकर तो मैं इतने दिनों से बंटवारा बंटवारा कर रही थी, वरना मुझे अपनी देवरानी से बहुत ही प्यार है। और अब तो छोटी भी खुद बोल रही है कि उसे बंटवारा नहीं चाहिए, तो क्या ही करना बंटवारा। चलो, गहनू का नाम सुनकर ही सही, लेकिन दोनों ने बंटवारा करने की बात तो मना कर दी। अब जब तक मैं हूँ तब तक गहनू के नाम से ही सही, लेकिन शांति तो बनी रहेगी। साधना की गहनों की बात सुनकर तुरंत देवरानी और जेठानी बंटवारे की बात से पलट गई और होता हुआ बंटवारा रुक गया। उसके बाद दोनों का लालच ही सही, लेकिन अब लड़ाई झगड़ा वापस नहीं होने देता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।